आज आपको कहकर जाता हूं, एनसी और कांग्रेस को जो मंसूबे करने वो कर दीजिए, दुनिया की कोई ताकत पीर पंजाल की ईश्वर आतंकवाद को ला नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी सरकार का वादा है। और एक बार ये तीन परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला गांधी और मुक्ति परिवार, मैं आपको वादा कर जाता हूं आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि सात पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। हमने एसपी और वीडीजी को आधुनिक हथियार दिया, फिर से इसका पुनर्गठन कर रहे हैं। और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, जिनके मंसूबे हैं आतंकवाद फैलाने के, भाई अभी भी समय है, वापिस जाना है तो चले जाओ, वरना भारत की सेना और भारत के सुरक्षा बल तैनात है यहीं पर ठिकाना बन जाएगा। अजीब प्रकार का रिश्ता, तीन पीढ़ी का रिश्ता ये अब्दुल्ला और गांधी का है। कभी इंदिरा जी शेख अब्दुल्ला को सालों तक जेल में डालती, कभी बाहर निकालती हैं, कभी राजीव गांधी उनसे समझौता करते हैं, और अब राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला से समझौता करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, देशद्रोह के इल्जाम में आपने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था, शेख अब्दुल्ला के और अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ एक व्हाइट पेपर जम्मू कश्मीर की असेंबली में आपने डाला था, वो व्हाइट पेपर राहुल बाबा अगर हिम्मत है तो देश के सामने फिर से एक बार लाकर कहिए। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं, सत्ता का मोह क्या क्या कराता है भाइयों। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादा को सालों तक जेल में करा, अब मोदी जी के सामने जीतने के लिए ये राहुल और उमर इलू इलू कर रहे हैं भैया, इलू इलू कर रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब चुनाव जीतने के लिए अपना आपा खो बैठे हैं। भाइयों बहनों, चुनाव तो सबको जीतना होता है, परंतु चुनाव जीतने के लिए फारूक साहब कितना नीचे गिरे होंगे, कितना नीचे गिरे होंगे। ये वही सेना है जिन्होंने तीन तीन युद्धों में हमारे जम्मू कश्मीर को बचाया, और आज भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर गोलियां कम चलती है, मेरे सेना के जवान छाती पर गोली चीलने का काम करते हैं, आप उनका अपमान करते हैं। चुनाव तो आ जाएंगे और कल चले जाएंगे, जो -43 डिग्री में मां भारती की सुरक्षा करते हैं, ऐसे जवानों को आतंकवादियों के साथ मिले हैं ऐसा आरोप करना फारूक साहब आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। पर उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। भाई किस्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। हम 100 मंदिर जो आतंकवाद की भेंट चढ़े, हर साल 100 मंदिरों को हम नया बनाएंगे, और अभी भी जो हमारे
किसान भाइयों को 6000 रुपया मिला है, ये 6000 रुपया हर साल मिलता है, उसको बढ़ाकर 10000 करने का काम भी हम करेंगे।